हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये पहला वीडियो है इस चैनल का। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप लॉजिक को लगा सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल को बिल्डअप करना चाहते हैं तो फिर बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कंपाइलर जो है, यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस आपको दिख रहा है, इसको हम पहले ओपन कर लेंगे। और फिर जैसे ही हम मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम सबसे पहले हम दोस्तों बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक आप आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रोग्रामिंग जो है वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम बेसिक से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट ए नंबर इंटर्ड बाय द यूजर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको क्वेश्चन समझने की बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर आप इजीली प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैसे आप प्रोग्रामिंग को करना है, कैसे आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप तोड़ दीजिए, उसको आप पार्ट वाइज तोड़ दीजिए। जैसे हम तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम इस क्वेश्चन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक है सी प्लस प्लस प्रोग्राम, फिर है टू प्रिंट ए नंबर, और फिर लास्ट में इंटर्ड बाय यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि एक सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि हमको प्रिंट क्या करना है, एक नंबर को प्रिंट करना है जो क्या यूजर के द्वारा वो इंटर हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। हेडर फाइल को प्रोग्राम में जब तक आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो इसमें आप जो भी कीवर्ड यूज करेंगे वो सारा कुछ पहले से हेडर फाइल में डिफाइन किया हुआ रहता है, तो इसलिए आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो जैसे हम सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बेसिक प्रोग्राम है ये, तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम के लिए हम आईओ स्ट्रीम डॉट एच नाम का हेडर फाइल होता है उसको हम यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, थ्योरी सेक्शन में आप वहां से पढ़ सकते हैं। मेरा चैनल जो है वो थ्योरी सेक्शन भी है, उसमें सिर्फ हम थ्योरी पढ़ाए हैं जिससे कि आप वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम और एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि देखिए हम जो भी कीवर्ड यूज करेंगे वो सारा कीवर्ड हेडर फाइल में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वो सब कीवर्ड अगर हेडर फाइल में इंक्लूड नहीं होता है तो फिर एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, नेक्स्ट हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो ये दोनों हेडर फाइल को सबसे पहले आपको लिखना होगा। फिर जैसे कि हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है, ठीक है।
इसमें होता क्या है कि हम जनरली जो है वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। ये हम इस कंपाइलर में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम यूज करते हैं तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या इरर आ सकता है। तो अब यहाँ से हम इंटीजर मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही होता है। कंपाइलर भी जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को मेन फंक्शन से ही करता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाने वाली बात है कि हम क्या करेंगे, हम अब हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टू प्रिंट नंबर, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है टू प्रिंट नंबर, तो देखिए नंबर दो तरह का हो सकता है, एक इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, एक फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम फ्लोट टाइप का ही ले सकते हैं, क्योंकि फ्लोट टाइप में होता है कि आप डिसिमल नंबर को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो प्रिंट जो भी आप नंबर लीजिएगा यूजर के थ्रू जो भी आप नंबर इनपुट कीजिए, इंटर करवाइएगा, तो वो नंबर कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए। जब तक आपका वो नंबर स्टोर किसी ना किसी लोकेशन में नहीं होगा, तब तक कंपाइलर आपके नंबर को फेच नहीं करेगा। तो स्टोर कराने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं, तो चलिए num नाम का एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में। अब हम नेक्स्ट क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, clrscr, ठीक है। क्लियर स्क्रीन क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप पहले से अगर कोई प्रोग्रामिंग कर चुके हैं इस कंपाइलर पे, तो वो सारा जो है प्रोग्रामिंग वो सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम क्लियर स्क्रीन नाम का जो ये फंक्शन है इसको हम यूज करते हैं, जो क्या ये कंसोल कोनियो डॉट एच जो है इसमें इंक्लूड रहता है, इसलिए हम इसको हम यूज किए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टू प्रिंट नंबर, तो नंबर को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई मैसेज देना होगा, जिससे कि आप सामने वाला यूजर जो भी है, जैसे हम हो गए आप हो गए जो भी है, वो उस मैसेज को पढ़ के उसको कुछ सेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे C में हम यूज करते थे प्रिंट एफ फंक्शन, तो इसमें हम सी आउट यूज करेंगे, इंटर एनी नंबर। अब लास्ट में हम इंड एल लिखते हैं, क्योंकि इंड इंड एल जो होता है वो इंड लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है C++ में। अब हम इसको स्कैन करा लेंगे, यूजर के थ्रू जो भी नंबर होगा उसको हम इनपुट करा लेते हैं। तो C++ में सी इन नाम का एक कीवर्ड है, जिसका कि हम यूज करते हैं इनपुट कराने के लिए, ठीक है। और फिर हम सिप में क्या करते थे, स्कैनर फंक्शन का यूज करते थे। अब हो गया, यहाँ पे यूजर यूजर जो है वो कोई भी नंबर इनपुट कर दिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रिंट नंबर, तो नंबर को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम फिर से क्या यूज करेंगे, सी आउट। अब यहाँ पे आपको नंबर प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, num। जैसे आप अब हम लास्ट में रिटर्न 0 लिखेंगे, क्योंकि हमको रिटर्न टाइप में जो मिल रहा है वो कुछ ना कुछ हमको रिटर्न टाइप मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिखते हैं, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया C++ का बेसिक प्रोग्राम। अब चलिए इसको हम नंबर भी ले लिए, जो क्या यूजर के थ्रू इनपुट कराना था, इंटर कराना था, वो सब सारा काम हो गया। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, तो F9 जैसे प्रेस कीजिएगा तो कंपाइलर, यहाँ पे आपको इरर आ रहा है। इरर क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स इरर। तो यहाँ पे जो हम डिक्लेयर जो किए हैं ये
यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, इसको आपको क्लियर करना होगा अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं। सक्सेस हो गया है ये हमारा कंपाइलर, अब इसको रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F9, जिसे हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ गया आपको, इंटर एनी नंबर। तो कोई भी नंबर आप इनपुट कीजिए, सपोज हम 1 2 3 इनपुट किए और इंटर मारे तो क्या आपको दिख गया, कुछ नहीं दिखा, वापस आप स्क्रीन पे आ गए। तो अगर इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, खास करके टर्बो सी प्लस प्लस में इस तरह का आपको प्रॉब्लम को देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको गेट सी एच नाम का जो एक फंक्शन है उसको आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से अब हम कंपाइल करते हैं। 1 2 3 देखिए यहाँ पे आपको नीचे में भी दिख गया 1 2 3, आउटपुट हमारा सही है, आउटपुट हमको मिल रहा है कुछ भी हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हम लिख दिए। और देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1.23459E+09। एक्चुअली ये फ्लोट जो होता है वो सब कीवर्ड का अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, उतना के अंदर ही आपका डिजिट जो है वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पे सपोज हम लिख दिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख गया 1 2 3 4 5। तो ये था प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कैसे आप एक नंबर को प्रिंट करा सकते हैं जो क्या यूजर के थ्रू वो नंबर इंटर करवाना है। ठीक है, अगर आपको इस प्रोग्राम में कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप हमको पूछ सकते हैं। तो हे गाइस, आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो